हेलो स्टूडेंट, सो माय सेल्फ नरेंद्र कुमार, और ये जो एक सीरीज चल रही है जिसमें हम जेई 2007 से लेकर के जेई 2018 तक के क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं, एडवांस के क्वेश्चन पेपर का। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2015 तक, 2016 आई होप चल रहा है, तो उसी कंटिन्यूएशन में लेट्स सी कि अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या आता है। तो ये क्वेश्चन है, डिफ्यूजन कॉफिशियंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन फ्री पाथ and mean speed. The absolute temperature of an ideal gas is increased 4 times and its pressure is increased 2 times. As a result, the diffusion coefficient of this gas increases x times. The value of x is. तो देखिए ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे सिलेबस में वैसे नहीं लिखा हुआ है मीन फ्री पाथ वगैरह के बारे में, है ना, मीन स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, बट पास्ट ईयर में कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं, तो ये एक दो बार पहले आया और ये फिर एक बार और क्वेश्चन आ गया, तो ये थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ सिलेबस टाइप हम कहेंगे। तो देखिए ये जो डिफ्यूजन है वो ये कह रहा है कि डिफ्यूजन जो है वो हमारा मीन फ्री पाथ जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और जो मीन स्पीड है, ठीक है, ये हमारी मीन स्पीड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है मीन स्पीड का, जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफ्यूजन कॉफिशियंट ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन फ्री पाथ। तो डिफ्यूजन कॉफिशियंट को मैं डी से ले लेता हूँ, प्रोपोर्शनल टू मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड, तो इसका मतलब मीन फ्री पाथ और मीन स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये। तो अब हम इसकी वैल्यू को अगर सब्सिट्यूट कर देंगे तो हम ये कहेंगे कि डिफ्यूजन कॉफिशियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी इंटू रूट ऑफ टी। ये हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया यहाँ पे। अब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या चेंज आएगा, तो हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा जो है, एज अ रिजल्ट द डिफ्यूजन कॉफिशियंट ऑफ दिस गैस इंक्रीजेस एक्स टाइम्स। तो ये डिफ्यूजन कॉफिशियंट टू अपॉन डिफ्यूजन कॉफिशियंट वन जो हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में टेम्परेचर टी टू प्रेशर पी टू इंटू रूट टी टू, ये हमारा डिफ्यूजन कॉफिशियंट टू हो गया। अब डिफ्यूजन कॉफिशियंट वन ले लेते हैं हम, तो डिफ्यूजन कॉफिशियंट वन जो लेंगे हम, तो ये टी वन अपॉन पी वन इंटू वन बाई रूट टी वन, ये जो है हमारे पास में सारे एक्सप्रेशन हो गए। तब इनकी वैल्यूज को थोड़ा हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो टी टू अपॉन टी वन हो गया इंटू पी वन अपॉन पी टू हो गया इंटू रूट टी टू अपॉन रूट टी वन हो गया ये। तो अब ये कह रहा है कि हमारा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज 4 टाइम्स, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा 4 टी है और ये टी है, ठीक है, और यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि ये 4 टी है और ये जो हमारा रूट टी है, एंड इट्स प्रेशर इज इंक्रीज 2 टाइम्स, तो ये टी है और ये हमारा 2 पी है, पी टू जो हायर प्रेशर है। तो अब ये टी टी कैंसिल हो गया, पी पी कैंसिल हो गया, रूट ऑफ टी कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास में ये आ रहा है 4 इंटू रूट ऑफ 4 जो है हमारे पास में 2 हो जाएगा अपॉन 2 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4 वैल्यू आ जाएगी। तो ये जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि मीन फ्री पाथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। बड़ा सिंपल सा है, लॉजिकली इंटरप्रेट कर सकते हो। मीन फ्री पाथ का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सो दिस डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी इस चीज के लिए। तो ये इसका आंसर जो हम देखेंगे तो 4 आना चाहिए, ये 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है कि इन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन 8 मोल्स ऑफ परमैंगनेट एनायन क्वांटिटेटिवली ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट एनायंस टू प्रोड्यूस एक्स मोल्स ऑफ ए सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट। एक्स मोल्स ऑफ ए सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज एक्स मोल ऑफ ए सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स हमें बताना है। सो हमारे पास में जो है परमैग्नेट एनायन है और इसके 8 मोल्स हैं और वो न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे परमैग्नेट आयन जो है वो MnO4- होगा और वो +7 से +4 में जाएगा, तो इसका मतलब पर पार्टिकल पर एनायन इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, और यहाँ पर इसके जो है वो 8 मोल्स हैं, तो इसका मतलब इसको 24 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो थायोसल्फेट आयन के ऑक्सीडेशन से आएंगे, तो थायोसल्फेट यहाँ पर जो है हमारा ऑक्सीडाइज होगा तो सल्फेट प्रोड्यूस होगा, तो थायोसल्फेट जब ऑक्सीडाइज होगा तो सल्फेट प्रोड्यूस होगा, तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि ये MnO4- थायोसल्फेट के साथ कंबाइन कर रहा है इन्फेंटली अल्कलाइन मीडियम एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू MnO2, और थायोसल्फेट अल्कलाइन मीडियम के अंदर जब ऑक्सीडाइज होगा तो सल्फेट ही बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका n फैक्टर अगर हम देखेंगे तो इसका n फैक्टर जो है ये प्लस सेवन से प्लस फोर में चला गया, तो प्लस सेवन से प्लस फोर में चला जाएगा तो इसका n फैक्टर जो है वो थ्री हो जाएगा। हमें इसके लिए मोल्स दे रखे हैं और इसके मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम इसका n फैक्टर निकाल लेते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है और यहाँ पर एक सल्फर के लिए अगर हम देखेंगे तो ये प्लस टू हो जाएगा, तो इसका n फैक्टर जो है हमारा वो फोर आ जाएगा। दो सल्फर के लिए जो चार्ज है वो प्लस फोर है, तो एक सल्फर के लिए जो चार्ज हो जाएगा वो प्लस टू हो जाएगा, एक ही सल्फर के लिए हमें देखना है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- यूज्ड आर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ SO4 टू माइनस फॉर्म्ड। तो इस परमैग्नेट एनायन के एट मोल्स हैं, तो मोल्स को इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए एन फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। एंड लेट बी एज्यूम दैट एक्स मोल्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो इसके एक्स मोल्स अगर प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इसका एन फैक्टर जो है हमारे पास में वो फोर है। ठीक है, एन फैक्टर इसका जो है वो क्या आ गया, फोर आ गया। तो एक्स के लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एट इंटू थ्री बाई फोर, तो ये यहाँ पर हमारा जो है कैंसिल होकर के रिजल्ट जो है वो सिक्स आ जाता है। तो एक्स की वैल्यू मतलब एक्स मोल्स ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो यहां पे इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो थायोसल्फेट है, ठीक है, इसका एक पार्टिकल जब इसमें ऑक्सीडाइज होता है तो ये जो दो सल्फर है यहां पे, दो सल्फर पर जो चार्ज है वो प्लस फोर है, दो सल्फर पर जो चार्ज है वो प्लस फोर है, और यहाँ पे दो सल्फर के लिए चार्ज अगर हम देखेंगे तो ये प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। तो प्लस फोर से प्लस ट्वेल्व के लिए ये एट इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो एक पार्टिकल से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे इसके अगर हम देखेंगे तो एट पार्टिकल है और एक पार्टिकल जो है वो तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो इसका मतलब 24 इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करने हैं, और इसके एक पार्टिकल से एट ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इसके तीन मोल्स लेने होंगे, और इसके जब हम तीन मोल्स ले लेंगे तो यहाँ पे सिक्स मोल्स सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली विजुलाइज करके कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सिक्स आना चाहिए। ये देखिए इसका आंसर, ऑफिशियल आंसर जो है वो सिक्स है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आ गया, और ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन 2016 पेपर टू से है। सो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस एक्स टू टू गैसियस एक्स एट 298 केल्विन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव, डेल्टा जी नॉट इसका पॉजिटिव है। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन देर इज वन मोल ऑफ एक्स टू एंड नो एक्स। As the reaction proceeds, the number of moles of X formed is given by beta. Thus, beta equilibrium is the number of moles of X formed at equilibrium. The reaction is carried out at a constant total pressure of 2 bar. Consider the gases to behave ideally. अब इस पर कुछ questions हैं, उनको हम बाद में देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास में जो जो information given है, इन information को collect करके हम क्या क्या find out कर सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम में तो आप साइमल्टेनियसली सब चीजें करेंगे, पैराग्राफ को इमिडिएटली रीड करके आप अपना आंसर्स की तरफ चले जाएंगे। तो यहां पे ये हमारे पास में एक इक्विलिब्रियम है, एक्स टू इन गैस फेज गिव्स टू एक्स इन गैस फेज। सबसे पहले तो देखिए ये कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट है, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो लेस देन वन हो जाएगा, क्योंकि जो रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट होता है, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी होगी वन से, तभी इसका जो डेल्टा जी नॉट जो है वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक हमने ये हमारा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो गया।
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास में इसका 1 मोल है एज पर द क्वेश्चन और ये 0 मोल्स है और इसका जितना भी मोल्स डिसोसिएट हो रहा है वो बीटा से हम कह रहे हैं. सो एज अ रिजल्ट रिएक्शन प्रोसीड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स फॉर्म्ड इज गिवन बाय बीटा. तो इसका मतलब एक्स जो बन रहा है वो बीटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो एक्स अगर बीटा बन रहा है जिसका मतलब ये बीटा बाय 2 जो है वो डिसोसिएट होगा क्योंकि जितना भी एक्स टू डिसोसिएट होगा उसका ट्वाइस जो है वो एक्स बन जाएगा. तो ये हमने देख लिया कि इनिशियली 1 दे रखा है और ये 0 हो जाएगा और क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीटा इज द अमाउंट ऑफ बीटा इक्विलिब्रियम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम. तो जितना भी एक्स फॉर्म हुआ होगा उसका हाफ जो है वो एक्स टू डिसोसिएट हुआ होगा. तो बीटा बाई 2 एक्स टू अगर डिसोसिएट हो रहा है तो इसका ट्वाइस जो एक्स बन जाएगा. ये हमारे पास में इंटरप्रिटेशन हो गया और क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एट ए कॉन्स्टेंट टोटल प्रेशर ऑफ 2 बार. तो पी टोटल जो है वो 2 बार गिवन है. तो एक तो हम यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केपी होगा दैट इज द प्रेशर ऑफ एक्स टू द पावर 2 अपॉन प्रेशर ऑफ एक्स 2. ये पार्शियल प्रेशर है. यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स जो होगा वो मूल फ्रैक्शन ऑफ एक्स इंटू टोटल प्रेशर. तो एक्स का मूल फ्रैक्शन अगर हम देखेंगे तो बीटा बाई 1 प्लस बीटा बाई 2 इंटू 2 ये एक्स का पार्शियल प्रेशर हो गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस बीटा बाई 2 इंटू 2. तो ये हमने यहां पे जो है इसका केपी का एक्सप्रेशन देख लिया. इसको सिंप्लीफाई करके आप सॉल्व कर सकते हो. तो ये जो भी आएगा हमारे पास में इसको हम कह सकते हैं कि एक 2 से 2 हमने एलिमिनेट कर दिया तो ये 2 बीटा स्क्वायर रह गया हमारे पास में और ये एक टर्म यहां से कैंसिल आउट हो गई है. तो अब यहां पे हमारे पास में जो रह गया है वो एक टर्म ये रह गई 1 प्लस बीटा बाय 2 की ये वाली टर्म और एक टर्म ये रह गई 1 माइनस बीटा बाय 2 की ये टर्म. तो ये 2 टर्म हमारे पास में आ गई है. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप. तो एक तो आप ये देख सकते हो कि इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो सकता है. तो ये 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा. तो ये 4 माइनस बीटा स्क्वायर तो 8 बीटा स्क्वायर बाय 4 माइनस बीटा स्क्वायर टाइप का एक टर्म आ जाएगा. तो 8 बीटा स्क्वायर बाय 4 माइनस बीटा स्क्वायर ये हमने फाइंड आउट कर लिया. तो इतना तो हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे पता कर सकते हैं. तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस जो है वो क्या कह रहे हैं फिर वापस से हम रिविजिट कर लेंगे. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी फॉर दिस रिएक्शन एट 298 केल्विन इन टर्म्स ऑफ बीटा इक्विलिब्रियम इज. तो ये तो हमने अभी अभी सॉल्व किया. देखिए आपके सामने है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के पी होगा इस रिएक्शन का वो 8 बीटा स्क्वायर बाय 4 माइनस बीटा स्क्वायर आ रहा है. 8 बीटा स्क्वायर इक्विलिब्रियम अपॉन 4 माइनस बीटा स्क्वायर ये ऑप्शन बी के अंदर आ रहा है. तो उसका आंसर हमारे पास में जो है ऑप्शन बी आ जाएगा. एक और क्वेश्चन होगा इसमें उसको भी देख लेते हैं ये क्या कह रहा है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर दिस रिएक्शन इज. तो इसके इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करने तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में हमारे पास में होगा डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसियस एक्स. देखिए ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का जो हमारा डेल्टा एन जी है वो पॉजिटिव है. ठीक है मोर नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे. तो प्रेशर जब हम डिक्रीज करेंगे तो ये वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सब्सटेंस जो है डिक्रीज हो रहे हैं. सो डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसियस एक्स. गैसियस एक्स जब ज्यादा बनेगा तो ज्यादा प्रेशर होगा. प्रेशर जो है ज्यादा नहीं ये होगा. तो डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसियस एक्स. तो ये जब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि प्रेशर अगर हम डिक्रीज इन दी टोटल प्रेशर डिक्रीज कर रहा है ये.
ठीक है, मतलब प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, लीस्ट एटले प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है. तो डेल्टा एन जी इसका जो है वो पॉजिटिव है, प्रेशर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो ये वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सब्सटेंस कम हो रहे होंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सब्सटेंस जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से कम हो रहे हैं. तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जब जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसेस एक्स जो है वो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं इसको. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ये हमारा जो स्टेटमेंट है, डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसेस एक्स. तो प्रेशर डिक्रीज करने से ये वहां जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सब्सटेंस इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रेशर जब हम डिक्रीज करेंगे तो जो डिसोसिएशन है वो फेवर होगा. प्रेशर डिक्रीज करने से डिसोसिएशन फेवर होता है, प्रेशर इंक्रीज करने से एसोसिएशन जो है वो फेवर होता है. तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, डिक्रीज इन द टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसेस एक्स. ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो फॉरवर्ड डायरेक्ट डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स बढ़ेंगे. तो ये करेक्ट है. At the start of the reaction, dissociation of gaseous X2 takes place spontaneously. Beginning में किसी reaction को अगर हम देखेंगे तो Q की value जो होती है वो K equilibrium से कम होती है. Initially, किसी भी reaction के लिए initially जो Q होता है वो less than K equilibrium होता है. तो Q less than K equilibrium होगा और समय के साथ में reaction forward direction में जब proceed करती है तो Q की value को तो increase ही होना पड़ेगा. तो ये जीरो होगा, बेसिकली इनिशियली जीरो होगा, इसकी कुछ सर्टेन वैल्यू होगी. तो ये यहाँ पे हमारा जो है वो बढ़ेगा थोड़ा. तो स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैसेस एक्स टू टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली, ये भी करेक्ट है. यहाँ पे बीटा इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 0.7, ये जो है हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि करेक्ट हो सकता है नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस एक्सप्रेशन को, केपी जो है वो लेस देन 1 है हमारा, केपी लेस देन 1 है, तो ये यहां से जो है एक्सप्रेशन, अब बीटा को अगर आप 0.7 अगर कर लेते हैं तो बीटा की वैल्यू को आप 0.7 लेकर के सॉल्व करके देखिए कि ये जो कह रहा है वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए कि क्या कह रहा है ये. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा यहां पे, क्योंकि 4 माइनस 0.7 का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैल्यू तो आ ही नहीं सकती यहाँ पे. तो ये ऑप्शन जो हमारा इनकरेक्ट हो गया. KC इज लेस देन 1, यहाँ पे ये KP इज इक्वल्स टू KC RT टू द पावर डेल्टा NG होता है और डेल्टा NG इसका जो है वो 1 है. तो यहाँ से हम क्लियरली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि KC की वैल्यू जो है वो 1 से तो छोटी आएगी. ये हमारा सिंपल सा जो इंटरप्रिटेशन है, KP इज इक्वल्स टू KC इंटू RT टू द पावर डेल्टा NG होता है हमारा, और डेल्टा एन जी जो है वो बेसिकली यहाँ पे 1 है. दो गैसेस प्रोडक्ट है, एक गैसेस रिएक्टेंट है. तो केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आरटी हो जाएगा. केसी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो ये केपी अपॉन आरटी आ जाएगा. तो केपी की कुछ वैल्यू है ये हमारे पास में, वो विच इज ऑलरेडी लेस देन 1. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को जब हम सब्सिट्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू को हम सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ये तो 0.082 ले लेते हैं हम, और 298 केल्विन यहाँ पे लगा देते हैं. तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू जो है आपकी और लेस देन 1 ही आएगा ये. सो इस टाइप से हमने देख लिया है कि हमारा जो ये ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. केपी छोटी क्वांटिटी को हमने और जो है किसी वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो वो और भी छोटा हो जाएगा हमारा. तो ये जो है हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, और वही हमें आइडेंटिफाई करना है. क्योंकि यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन के अंदर जो पहले था उसको सब्सिट्यूट करेंगे तो जो केपी है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, बट केपी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, तो बीटा 0.7 जो है नहीं हो सकता. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. इसका आंसर सी हमने प्रेडिक्ट किया, आंसर सी इसका आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया हमारे पास में, ये अगेन थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है. एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम P1V1T1 टू P2V2T2 अंडर डिफरेंट कंडीशंस. द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज आर. करेक्ट स्टेटमेंट इसके क्या क्या है ये हमें फाइंड आउट करने हैं. करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करने है. तो ए ऑप्शन को देखते हैं क्या कह रहा है. द वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली
फ्रॉम पी टू वी टू टू पी वन वी वन अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी वन. सबसे पहला पॉइंट जो नोटिस करना है यहाँ पे वो है कि ये प्रोसेस जो हो रहा है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल हो गया. और वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये इरिवर्सिबल ही है. सो वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम पी टू वी टू टू पी वन वी वन अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो देखिए जो वर्क डन हमारे पास में रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है दैट इज ग्रेटर देन द वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, और वो एक्सपेंशन के समय में हो रहा है. कंप्रेशन के अंदर जो है इसका हमारा रिवर्स हो जाएगा. करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है. सो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि वर्क डन ऑन द गैस इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम दिस प्रेशर टू दिस प्रेशर. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. फिर ये कह रहा है कि इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक. फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा, तो पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो इसका मतलब वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा. वर्क डन अगर जीरो है तो इसको हीट एक्सचेंज नहीं करना है, वर्क ही नहीं करना है, तो फिर हीट एक्सचेंज क्या करना होगा, ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल ये कह रहा है तो डेल्टा टी जीरो हो गया, इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो हो जाएगा, वर्क जीरो है तो क्यू ऑटोमेटिकली जीरो आ जाएगा. सो फ्री एक्सपेंशन इज बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबेटिक. तो ऑप्शन बी जो है वो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. हमें करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करने. ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नाउ ऑप्शन सी को हम देख लेते हैं. वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 अंडर एडियाबेटिक कंडीशन एज कंपेयर टू दैट व्हेन एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 अंडर आइसोथर्मल कंडीशन. तो देखिए ये एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल और एडियाबेटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है. एडियाबेटिक कंडीशन में एक्सपेंशन हो रहा है और आइसोथर्मल कंडीशन में एक्सपेंशन हो रहा है. तो एडियाबेटिक कंडीशन के अंदर थोड़ा मतलब वॉल्यूम में जो डिक्रीज होगा वो ज्यादा होगा, प्रेशर में डिक्रीज जो है वो की वजह से वॉल्यूम में भी डिक्रीज होगा, बट फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे सेम रखा हुआ है तो वो थोड़ा सा स्टीपर कर्व होगा. प्रेशर में फॉल जो होगा उसका रेट ज्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर पर भी डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर पर भी प्रेशर जो है हमारा मेंटेन कर डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा भाई गैस वो एडियाबेटिक कंडीशन में लेस वर्क डन होगा, आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर जो है वो मोर वर्क डन होगा. ये एरिया अंडर द कर्व जो होता है उसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सिंपल सा अगर हम यहाँ पे कर्व प्लॉट करते हैं एडियाबेटिक और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो ये प्रेशर है हमारे पास में और ये वॉल्यूम है, ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है. तो एडियाबेटिक के लिए ये थोड़ा स्टीपर जो कर्व होता है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 अंडर एडियाबेटिक कंडीशन. तो ये V1 है हमारा और ये V2 है, तो दोनों ही केसेस में हमारा वॉल्यूम जो है वो सेम ही है. V2 यहाँ पे हमने वॉल्यूम कंसिडर कर लिया. तो एरिया अंडर द कर्व अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो आइसोथर्मल में एरिया अंडर द कर्व जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो वर्क डन जो है हमारा मोर होगा. और आइसोथर्मल के अंदर एडियाबेटिक के अंदर अगर देखेंगे तो एरिया अंडर द कर्व कम है इसलिए वर्क डन जो होगा वो कम हो जाएगा. सो वर्क डन बाय द गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 अंडर एडियाबेटिक कंडीशन एज कंपेयर टू दैट व्हेन एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 टू V2 अंडर आइसोथर्मल कंडीशन. ऑप्शन सी करेक्ट है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज जीरो इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली विथ T1 इक्वल्स टू T2. रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आइसोथर्मल हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, ये तो ठीक है. एंड पॉजिटिव इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, ये ठीक नहीं है. एडियाबेटिक कंडीशन में अगर हम एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, तो इफ इट इज एक्सपेंडेड, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के अंदर बेसिकली क्या होगा, कूलिंग जो है ऑब्जर्व होगी, कूलिंग ऑब्जर्व हो जाएगा क्योंकि सिस्टम हीट तो एक्सचेंज कर नहीं रहा है सराउंडिंग के लिए, एक्सपेंशन के लिए उसको एनर्जी चाहिएगी और एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को यूज करेगा, तो स्टोर्ड एनर्जी यूज करेगा तो फाइनल टेम्परेचर फाइनल कंडीशन में उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी इनिशियल कंडीशन के रेस्पेक्ट में, फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव नहीं आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो नेगेटिव आएगा. तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट नहीं है. और हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं. ए बी एंड सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है. चेक कर लेते हैं किसका आंसर हमारा क्या है. ए बी और सी इसके करेक्ट आंसर्स हमें मिल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 पेपर 1 से है. सो
answer question 31, 32 and 33 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table. The wave function is a mathematical function whose value depends upon spherical polar coordinates of the electron and characterized by the quantum numbers n, l and ml. Here r is the distance from nucleus, theta is co-latitude and phi is azimuth. In the mathematical function given in table, z is atomic number and a naught is Bohr radius. Ye kuch jo standard informations hoti hai wo given hai. I mean in standard informations ko identity consider karte hue hame ek question ko solve karna hai. To ye question hamare paas mein hai. Column 1, column 2, column 3 given hai. Aur is column 1, column 2, column 3 ko hame match karna hai. Aur paragraph type ka question yahan par hai. Next aap dekhenge to uske andar aayega. To yahan pe hum dekh lete hain. देखिए 1s orbital के लिए जो हमारा psi है उसकी value को अगर हम देखेंगे तो 1s orbital का जो psi है वो इसी part पर depend करता है कि psi has only radial part. 1s orbital के लिए जो psi होगा उसका सिर्फ radial part होगा, उसका कोई angular part नहीं होगा. तो 1s orbital के लिए आप जैसे ये fourth statement जो लिखा हुआ है xy plane is a nodal plane, ये नहीं होगा. और थर्ड स्टेटमेंट जो है उसको भी अगर आप देखोगे तो साई के अंदर जो है वो एक एंगुलर पार्ट भी मेंशन कर रखा है. कॉस थीटा जो दे रखा है वो एंगुलर पार्ट को इंडिकेट कर रहा है. तो जो हमारे पास में हम देख लेते हैं 1s के लिए क्या क्या हो सकता है. 1s के लिए जो साई की वैल्यू होगी वो ओरिजन पे मैक्सिमम होगी, लेकिन 1s के अंदर कोई रेडियल नोड नहीं है तो इसलिए कॉलम 3 का जो पी वाला पार्ट है ये इसके साथ मैच नहीं कर सकता है. कॉलम 3 का पी वाला जो पार्ट है वो इसके साथ मैच नहीं कर सकता है, लेकिन कॉलम 3 का क्यू वाला पार्ट इसके साथ मैच कर सकता है क्योंकि यहाँ पे जो साई स्क्वायर की वैल्यू होगी वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंडिकेट करेगी एंड दैट विल बी द मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस. एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज द मैक्सिमम एट न्यूक्लियस भी होगा इसके अंदर. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू जो होगी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए नॉट क्यूब होगा. कॉलम 2 के अंदर जो इक्वेशन गिवन है उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास में ए नॉट क्यूब के इक्वल हो जाएगा. तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये किसके लिए वैलिड है. तो ये वेरियस करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनके बेसिस पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं. तो जैसे मैंने बताया था कि 1s ऑर्बिटल के लिए ठीक है इक्वेशन नंबर 1 आप अप्लाई कर सकते हो. इक्वेशन नंबर 1 कॉलम 2 के अंदर जो ए ऑप्शन 1 ऑप्शन है ये कह रहा है कि इसका कोई एंगुलर पार्ट नहीं है, और 1s में भी कोई एंगुलर पार्ट नहीं होता ये हम बता सकते हैं. 1s के अंदर कोई रेडियल नोड नहीं है. ये जो 1 के अंदर जो इक्वेशन है इसमें साफ नजर आ रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी पे ही जीरो होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी. ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल के लिए हमें कॉलम 2 में एक ही मिलेगा और वो 1 मिलेगा और कोई होगा ही नहीं यहाँ पे. कॉलम 3 के अंदर अगर हम देखेंगे 1s ऑर्बिटल के लिए तो P नहीं हो सकता है, Q हो सकता है और R भी हो सकता है. S को कैलकुलेट करना पड़ेगा. S कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लग जाएगा. पहले हम S की कैलकुलेशन कर देते हैं. एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 स्टेट to n equals to 4 state is 27 by 32 times the energy needed to excite electron from n equals to 2 state to n equals to 6 state. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में एनर्जी की वैल्यू जो है उसको हम रिलेट कर सकते हैं. सो डेल्टा ई जो हमें फाइंड आउट करना है 224 के लिए डेल्टा ई फाइंड आउट करना है, और डेल्टा ई जो होगा वो 13.6 इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर के हिसाब से इनकी वैल्यूज को जब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये 13.6 इंटू लोअर एनर्जी लेवल हमारा 2 है तो ये 1 बाय 4 हो गया, और हायर एनर्जी लेवल 4 है तो ये 1 बाय 16 हो गया हमारा. 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 16, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कुछ वैल्यू आ गई हमारे पास में 13.6 इंटू 16 माइनस 4, तो ये 3 बाई 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. 13.6 इंटू 3 बाई 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. और फिर हम निकाल लेते हैं यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन 2 टू 6. तो एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है अगेन हमें 13.6 अपॉन 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 36. तो इसको सिंप्लीफाई जब हम कर लेंगे तो ये 13.6 इंटू 8 बाई 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है. तो अब ये जो हमारे पास में
रेशियो है एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 to 4 2 to 6 तो ये 13.6 इंटू 3/16 13.6 इंटू 8/36 तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है तो इसका रिजल्ट हमारे पास में ये क्लियरली नजर आ रहा है कि 3 × 36/16 × 8 तो ये 9 और हमारा ये 2 हो जाएगा तो 27/32 ये एक करेक्ट ऑप्शन है तो ये एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 स्टेट टू n इक्वल्स टू 4 स्टेट इज 27/32 टाइम्स तो ये किसी के साथ भी हम मैच कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में जस्ट एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी की बात हो रही है अब किस ऑर्बिटल के लिए एक्साइटेशन एनर्जी की बात हो रही है ये यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पे तो वेरियस कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएंगे तो देखो क्या क्या हो सकते हैं अगर हम 1s को लेते हैं तो 1s के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है 1 दिख रहा है यहाँ पे और q दिख रहा है और r दिख रहा है और s भी दिख रहा है तो 1 के साथ जो है हम 1 को मैच कर सकते हैं q को मैच कर सकते हैं r के साथ मैच कर सकते हैं और s के साथ भी 1 को हम मैच कर सकते हैं ये तो एनर्जी का ट्रांजिशन है ये जरूरी नहीं कि 1s के लिए एनर्जी का ट्रांजिशन होगा ये तो मतलब 1s ऑर्बिटल के अंदर हम एनर्जी का देख सकते हैं 2 के अंदर अगर होगा तो भी देख सकते हैं तो मेरे हिसाब से देखिए इसको करने का तरीका ये हो गया कि जो हमारे पास में फर्स्ट के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन एक जो है 2 होगा इस 2 के साथ जो है हमें और बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर देखने को मिलता है यहाँ पे तो ये जो है हमारे पास में Q इसके साथ मैच कर सकता है R इसके साथ मैच कर सकता है और S भी इसके साथ मैच कर सकता है कॉलम नंबर 3 से बाकी के हम पेयर अप बना लेंगे कि क्या होगा नाउ सेकंड के लिए अगर हम देखते हैं तो सेकंड हमारे पास में जो है आ गया 2s ऑर्बिटल तो 2s ऑर्बिटल को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक रेडियल नोड होगा तो कॉलम 2 से 1 वाला पार्ट तो 2s ऑर्बिटल के लिए नहीं आ सकता है ठीक है 1 रेडियल नोड होगा ये आ गया और इसके अंदर कोई एंगुलर नोड नहीं होगा इसका कोई एंगुलर पार्ट नहीं होगा इसलिए थर्ड नहीं आ सकता है तो एंगुलर पार्ट नहीं है तो नोडल प्लेन भी इसमें नहीं होगा फोर्थ भी नहीं हो सकता है तो 2 के लिए कॉलम 2 से सिर्फ 2 ही आएगा नाउ कॉलम 3 के अंदर जो पी में जो कर्व दे रखा है सारे एनएस ऑर्बिटल के लिए साई की वैल्यू ओरिजिन पे मैक्सिमम होती है एंड इसका नोड पे जो है साइन चेंज हो जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और इन्फिनिटी आर जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो फिर इसकी वैल्यू जीरो को अप्रोच करने लगती है तो ये जो पी वाला कर्व है हमारा वो भी अप्रोप्रिएट है 2 के लिए ठीक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस सारे एनएस ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम ही होगी न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस पर लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस जो होगा 1/a0³ होगा ये जरूरी नहीं है तो यहां पे जो है हमारे पास में सेकंड के लिए जो बेस्ट ऑप्शन जो हमें नजर आ रहा है सेकंड के लिए बेस्ट ऑप्शन जो नजर आ रहा है सेकंड के लिए सेकंड ही होगा एक तो और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि हमारे पास में आर तो यहां बेस्ट अप्रोप्रिएटली होगा ही होगा और जो है यहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू अगर हम देखेंगे अदर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के अगर हम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए अगर कंसिडर करेंगे तो क्यू भी इसके अंदर आ सकता है क्योंकि ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन दे रखा है ठीक है इस एक्सप्रेशन को अगर हम चेक करेंगे इसमें जेड की वैल्यू अगर पुटअप कर देंगे तो ये जेड आर अपॉन ए नॉट है तो जेड की वैल्यू पुटअप करने से इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो न्यूक्लियस पर है वो ए क्यूब के प्रोपोर्शनल हो सकती है फॉर एनी अदर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं तो ये वेरियस कॉम्बिनेशन हमने बना लिए इसके बेसिस पे हम चेक कर पाएंगे कि क्या हमारा आंसर आएगा करेक्ट और क्या बेस्ट तो हमें यहाँ पे ये आर ही दिख रहा है ठीक है क्यू जस्ट चेक करना पड़ेगा हमें क्या है थर्ड के लिए अगर हम देख लेते हैं कि अप्रोप्रिएट हमारा क्या बन रहा है तो थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारे पास में जो है 2pz ऑर्बिटल है तो 2pz ऑर्बिटल के अंदर जो है हमारा एक इसका एंगुलर पार्ट भी होगा xy प्लेन जो होगा इसके अंदर नोडल प्लेन होगा तो ये तो डेफिनेटली हमारा फोर्थ पार्ट तो इसके अंदर मैच करेगा ही करेगा थर्ड के अंदर फोर्थ पार्ट जो हमारा मैच करेगा ही करेगा अब इसके अंदर हम जो है ये 2pz है इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि s जो है हमारा मैच कर रहा है
सेकेंड एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में जा रहा है या सेकेंड एनर्जी लेवल से सिक्स्थ एनर्जी लेवल में जा रहा है. ये हमने जस्ट यहाँ पे ऐसे ही देखा है कि किसी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देते हैं तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए इसकी वैल्यू आ सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शनल रखा है. पर इसके अंदर जो है हम ये एस तो कंसिडर करेंगे ही करेंगे, यहाँ पे टू सेकेंड एनर्जी लेवल में, इसलिए एस तो इसका आएगा ही आएगा. ये और इसमें से कुछ नहीं मैच करेगा क्योंकि प्रॉलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस जीरो होगी, प्रॉलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, वो हो नहीं सकता है इसके अंदर. यहाँ पे एनर्जी नीडेड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है यहाँ पे, तो इसके अंदर हमें बस ये एक ही मैच नजर आ रहा है. फोर्थ को अगर हम देखते हैं तो फोर्थ के अंदर डी जेड स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर के अंदर एक एंगुलर नोड होगा, ठीक है, और वो जो हमारा एंगुलर नोड है वो जो आ रहा है हमारा फोर्थ के अंदर ही आ रहा है, इसके लिए फोर्थ पार्ट जो है उसी के अंदर आ रहा है, यहाँ पे फोर्थ पार्ट ही हमारा आ रहा है. और ये जो 2PZS को अगर हम देखेंगे तो एंगुलर नोड जो है हमें यहाँ से भी मिल जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू को अगर हम देखेंगे, ठीक है, जेड एक्सिस पे अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू को अगर देखेंगे तो वो हमारा आ जाएगा. तो सेकंड के अंदर ये थर्ड के अंदर जो 2PZ है ये मिस हो गया था मुझे, इसके अंदर थर्ड और हमारा आएगा, तो थर्ड भी इसके अंदर आएगा, फोर्थ तो आएगा ही आएगा उसके साथ थर्ड जो है वो भी आएगा, थर्ड के साथ थर्ड आएगा और थर्ड के साथ फोर आएगा और एस जो है हमारा आएगा आएगा. जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जो जेड कंपोनेंट है उसमें हमारा थीटा वाला पार्ट इसके अंदर वैल्यू जो होगी वो प्लेनर नोड तो एग्जैक्टली इसके अंदर होगा ही नहीं, एक्स वाई प्लेन जो है हमारे पास में नोडल प्लेन टाइप का हम कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर, वो कॉनिकल शेप के नोड होते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के अंदर. तो ये जो भी हमें कॉम्बिनेशंस लग रहे हैं इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अब हम देख सकते हैं कि हमारा बेस्ट पॉसिबल जो है चॉइसेस क्या बन रही है. तो क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चूज करना पड़ेगा. फॉर द गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम वन द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ओनली वन करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया है 1 1 Q हो सकता है, 1 1 R हो सकता है, तो 1 1 Q कहीं है ही नहीं, 1 1 R भी कहीं नहीं है, 1 1 S यहाँ पे नजर आ रहा है, तो 1 1 S को हम कंसिडर कर सकते हैं. फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर ए गिवन ऑर्बिटल, सॉरी ये मैं क्वेश्चन कोई और देख रहा हूं, फॉर ए गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम वन द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज. तो किसी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन अगर हमें देखना है तो ये 1 1 जो हमारा क्या आ रहा है कि एक 1 2 S जो आ रहा है, तो 1 2 हमने 1 2 S कंसिडर नहीं किया है, तो उसको वापस से अगर हम विजिट करते हैं तो वापस से विजिट करेंगे तो 1 रेडियल नोड, 1 के अंदर 1 रेडियल नोड तो नहीं आएगा, तो इसलिए ये हमारा 1 तो करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है, 1 के साथ 2 नहीं आ सकता, इसलिए हमने वो उसको कंसिडर नहीं किया. हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया उसमें से आपको चूज करना है फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज आपको देखना है. देखिए 4 4 R जो है कहीं हमारा हो रहा है क्या, 4 4 R नहीं आ रहा है, 4 4 R जो है नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमने चेक किया था कि ये इसके लिए हमारा मैच नहीं करेगा. नाउ 2 2 P जो बन रहा है, ये 2 2 P हमने यहाँ से जो है एलिमिनेट कर दिया था, 2 2 P एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसको वापस से देख लेंगे. 3 3 P हमारा बिल्कुल भी नहीं बन रहा, P तो उसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा, P को हम वापस से रिविजिट कर लेते हैं, 2 2 P को देख लेते हैं. तो 2 जो है 2S ऑर्बिटल है और उसके अंदर 1 रेडियल नोड भी होगा और ये P आएगा ही आएगा बिल्कुल, ये तो हमने पहले ही डिसाइड किया था कि एक रेडियल नोड होगा, तो 2 2 P तो हमारा होगा ही होगा. क्यू में डाउट था हमारा, तो क्यू को हमने ऑप्शनल मार्क किया था, पी मिस आउट हो गया हमारा, पी जो है मिस आउट हो गया, ये क्यू ऑप्शनल था हमारा. तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए. वापस से आप इस कर्व को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इस चीज के लिए कि जो 2s ऑर्बिटल है उसमें एक रेडियल नोड होता है और वो रेडियल नोड हमें कॉलम 3 के पी फिगर के अंदर नजर आ रहा है, कॉलम 3 के पी फिगर में नजर आ रहा है ये, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. तो ये जो पहला क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम वन द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज, ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज. देखिए 1 को मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, 1 2 S को हम रूल आउट करेंगे क्योंकि 1 2 S के अंदर अगर हम देखेंगे तो 1S ऑर्बिटल जो हमारा है ये 1S ऑर्बिटल है, 1S ऑर्बिटल के अंदर कोई रेडियल नोड नहीं होता है, तो इसलिए आप यहाँ से ऑप्शन ए को रूल आउट कर दीजिए, ठीक है.
नाउ 4 4 आर को अगर हम देखते हैं तो 4 4 हो गया हमारा 4 4 और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस. किसी भी डी ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम न्यूक्लियस में नहीं हो सकती है, वो सिर्फ एनएस ऑर्बिटल के लिए हो सकता है. तो इसलिए ये 4 4 आर जो है हमारा वैसे ही रॉन्ग ऑप्शन है. 2 2 क्यू जो है ये 2s ऑर्बिटल है, इसमें एक रेडियल नोड होगा ही होगा और वो रेडियल नोड हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा. 3 3 पी को अगर हम देखते हैं तो ये 3 3 और पी ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी एनपी और किसी भी ऑर्बिटल के लिए अदर देन एनएस साई की वैल्यू ओरिजिन पे मैक्सिमम नहीं हो सकती है, साई की वैल्यू ओरिजिन पे मैक्सिमम नहीं हो सकती है. तो ये जो है हमारा एक बिल्कुल क्लियर कट एनालिसिस है इस कॉलम के बेसिस पे इस क्वेश्चन का, कि ये करेक्ट ऑप्शन इसका सी होना चाहिए. सो ये करेक्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में नजर आ रहा है. इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, फॉर अ गिवन ऑर्बिटल इन कॉलम वन द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एनी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज 2 2 पी नजर आ रहा है. ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा वापस से और दूसरे तरीके से करना होगा, क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा है तो एक स्लाइड पे ये नहीं आ रहा है. फिर फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन एटम के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करना है. हाइड्रोजन एटम के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है, तो मैं ऑप्शंस यहां पे मेंशन कर देता हूं. वापस से हम फिगर की तरफ चले जाते हैं. फॉर हाइड्रोजन एटम द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन, ए ऑप्शन कह रहा है कि ये 1 1 एंड एस है, और बी ऑप्शन जो कह रहा है कि ये 2 1 एंड क्यू है, और सी ऑप्शन जो ये कह रहा है कि 1 1 एंड पी है, और डी ऑप्शन जो कह रहा है कि 1 4 एंड आर है. फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए हमें एक करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है, तो मैं फिगर की तरफ जा रहा हूं वापस से. ये आ गया हमारा फिगर. तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है, हाइड्रोजन एटम के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें ढूंढना है. तो ये 1 1s हम चेक कर लेते हैं करेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है. तो 1 1 तो करेक्ट कॉम्बिनेशन नजर आ ही रहा हमें, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए ये जो एक वेव फंक्शन है वो वैलिड वेव फंक्शन है, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए ये जो वेव फंक्शन है वो वैलिड वेव फंक्शन है. ठीक है, और एस तो हमने कैलकुलेट किया ही है कि ये जो है हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए करेक्ट कॉम्बिनेशन तो हो ही सकता है. अभी हाइड्रोजन एटम के अंदर जो 1s ऑर्बिटल है उसके लिए ये एक वेव फंक्शन है, और 2n = 2 से n = 4 तक आपने एक्साइट किया है, और n = 2 से n = 6 तक आपने एक्साइट किया है, एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो इतने टाइम है. तो ये 1s से इंडिपेंडेंट है, कोई नहीं है. हाइड्रोजन एटम के लिए ये करेक्ट है, और हाइड्रोजन एटम में जो 1s है उसके लिए ये करेक्ट है. तो यहाँ पे ये हमारा ए तो हमें करेक्ट लग रहा है, बाकी को भी चेक कर लेते हैं. 2 1 क्यू, तो ये 2 है और ये 1 है. नहीं, 2 में एक रेडियल नोड होगा, वो रेडियल नोड हमें इस फंक्शन में नजर नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये मैचिंग जो है इनकरेक्ट मैचिंग हो गई. 1 1 पी को अगर हम देखेंगे तो 1 1 पी वन में हमें पता है कोई रेडियल नोड नहीं है, तो ये रेडियल नोड नहीं है, तो इसलिए ये वाला जो है यहाँ पे रेडियल नोड को शो कर रहा है, इसलिए 1 1 पी करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है. 1 4 आर ऑब्वियसली एक्स किसी भी एस ऑर्बिटल में कोई प्लेनर नोड ही नहीं होता है, कोई नोडल प्लेन ही नहीं हो सकता है, इसलिए 1 4 आर तो यहाँ पे 1 4 तो करेक्ट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. तो अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 1 एस जो है हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा इस क्वेश्चन के लिए. 1 1 एस जो है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा इस क्वेश्चन के लिए. तो ये आपको आंसर भी दिख रहा है, 1 1 एस मैंने डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दिया. इस क्वेश्चन के अंदर हमें बिल्कुल वैसे ही देखना, थोड़ा पेशेंसफुली इस क्वेश्चन को करना है, आराम से आपको आंसर मिल जाएगा इसके अंदर. जस्ट प्रेजेंटेशन इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर हीलियम आयन द ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, हीलियम आयन के लिए ओनली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करना है. तो अगेन मैं ऑप्शंस लिख देता हूं यहां पे फॉर हीलियम, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हमें फिगर की हेल्प से ही करना होगा. तो ये 1 1 आर हो गया, बी ऑप्शन जो है 2 2 क्यू हो गया, और सी ऑप्शन जो है 1 3 आर हो गया, और डी ऑप्शन जो है 1 1
एस आ गया। अब इसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है फॉर हीलियम प्लस वन। तो हीलियम प्लस वन के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो देखिए 11R को अगर हम चेक करते हैं, वापस से फिगर की तरफ हम जाते हैं, हमारा फिगर क्या कह रहा है, तो ये 11R, 11R तो 1s ऑर्बिटल, हीलियम के 1s ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड नहीं होगा, वो रेडियल नोड हमें कॉलम 2 के 1 से साफ नजर आ रहा है, इसमें कोई रेडियल नोड नहीं है। एंड 1s के अंदर जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, सारे एस ऑर्बिटल के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू जो होगी वो न्यूक्लियस पे मैक्सिमम ही होगी यहाँ पे, तो ये कॉम्बिनेशन तो हमारा करेक्ट है। 2 2 q 2 2 q, तो 2 और 2 को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये 2 2s ऑर्बिटल है, इसमें एक रेडियल नोड होता ही होता है, और एस ऑर्बिटल के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट न्यूक्लियस जो होगा वो 1/a³ a₀³ हो ही जाएगा, ये भी एक करेक्ट कॉम्बिनेशन है। नाउ 1 2r जो है 1 3r को अगर हम देख लेते हैं, तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। देखिए 3 के अंदर जो साई का फंक्शन दे रखा है उसमें कॉस थीटा आ रखा है, कॉस थीटा आने का मतलब है कि ये एक एंगुलर पार्ट है इसका, रेडियल वेव फंक्शन का जो एंगुलर पार्ट है उसको भी इंडिकेट कर रहा है, और एस का कोई एंगुलर पार्ट नहीं होता है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा 1 3 वाला। 1s के लिए ये एंगुलर पार्ट नहीं आ सकता है, उसका अंदर एंगुलर नोड नहीं है, इसलिए इसका एंगुलर पार्ट इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। और 11s तो हमने पहले भी दे रखा है, 11s तो करेक्ट होगा ही होगा, 11s तो करेक्ट होगा ही होगा, हीलियम आयन के लिए भी करेक्ट होगा, हीलियम आयन के लिए भी ये हमारा 11s ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन जब आप करोगे तो Z की वैल्यू दोनों ऑप्शंस में होगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, अल्टीमेटली ये यही आएगा यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा E इज इक्वल्स टू हीलियम आयन को अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन लगे कि ये एनर्जी चेंज जो हो जाएगा हमारा, तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू जो हमारा आएगा ये 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2², तो जब आप रेशियो लोगे आप इन दोनों डेल्टा का, तो ये Z तो कैलकुलेशन में कहीं आ ही नहीं रहा है, कैलकुलेशन में सिर्फ यही आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू जो है क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, हाइड्रोजन के लिए या हीलियम प्लस वन के लिए, किसी के लिए भी अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी। तो ये हमारा 2017 पेपर वन का जो एक न्यू पैटर्न पर बेस्ड मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आया, उसका हमने आंसर चेक कर लिया है कि इसमें इनकरेक्ट जो हम चेक कर रहे हैं वो सी ऑप्शन हमें इनकरेक्ट लग रहा है, ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, ये हमारे पास में अगेन 2017 के पेपर 2 से है, और इसमें स्टैंडर्ड स्टेट गिव्स फ्री एनर्जीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड एट टेम्परेचर 298 केल्विन आर गिवन। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन फॉर ग्रेफाइट इज 0 एंड फॉर डायमंड इज 2.9 किलो जूल पर मोल। द स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स दैट द प्रेशर शुड बी 1 bar एंड सब्सटेंस शुड बी प्योर एट अ गिवन टेम्परेचर। द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड रिड्यूसेज इट्स वॉल्यूम बाय 2×10⁻⁶ मीटर क्यूब पर मोल। इफ सी ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड टू सी डायमंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर 298K, द प्रेशर एट विच ग्रेफाइट इज इन इक्विलिब्रियम विद डायमंड इज। तो ये प्रेशर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए आप लोग एक एक्सप्रेशन थर्मोडाइनमिक्स के अंदर करते हैं, मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूं कि ये जो हमारा डी जी होता है इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो ये जो एस डी टी वाला जो पार्ट है इसको हम इलिमिनेट कर सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मली हो रहा है इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी टी इज इक्वल्स टू जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए ये वी डी पी आ गया। अब यहां पे जो है हम ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो चेंज इन फ्री एनर्जी कितना आएगा उसकी हेल्प से हम यहां पे ये चेंज इन प्रेशर देख सकते हैं। अब यहां पे वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा है क्योंकि ये जो सॉलिड है तो सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो इतना सिग्निफिकेंटली जो है यहां पे चेंज नहीं करता है, तो इस एक्सप्रेशन को हम यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी की वजह से यहाँ पे चेंज होगा यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं 1 to p, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, डी जी इज इक्वल्स टू वी, 1 to p प्रेशर हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा डी पी। तो अभी हम इसको
कांस्टेंट एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो नियरली सेम रहता है, प्रेशर के साथ इतना सिग्निफिकेंटली वेरी नहीं करेगा। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास में जी एट पी माइनस जी एट वन बार, जिसको हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कहेंगे, इज इक्वल्स टू वी पी माइनस वन। तो ये हमारा जो है वो रिजल्ट आ गया। इसको अगर हम अरेंज करते हैं कि फ्री एनर्जी एट सम प्रेशर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी प्लस वी इंटू पी माइनस वन, ये हमारे पास में किसी सब्सटेंस की फ्री एनर्जी जो है वो किसी सॉलिड सब्सटेंस की फ्री एनर्जी प्रेशर के साथ कैसे वेरी करेगी, ये हमने एक एक्सप्रेशन जो है डेवलप कर लिया। अब हमारे पास में जो रिएक्शन है वो सी सॉलिड ग्रेफाइट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ सी सॉलिड डायमंड टाइप का है। इसका जो डेल्टा जी होगा रिएक्शन का वो हो जाएगा जी ऑफ डायमंड माइनस जी ऑफ ग्रेफाइट। नाउ जी ऑफ डायमंड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो जी ऑफ डायमंड जो होगा वो ये हो जाएगा हमारे पास में प्रेशर, जी ऑफ डायमंड की वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में जी नॉट ऑफ डायमंड प्लस वी ऑफ डायमंड इनटू प्रेशर माइनस वन, और जी ऑफ ग्रेफाइट अगर हम निकालते हैं तो ये जी नॉट ऑफ ग्रेफाइट प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इंटू पी माइनस वन आ जाएगा। तो जी ऑफ डायमंड और जी ऑफ ग्रेफाइट की वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करते हैं तो ये डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा विच इज जी नॉट ऑफ डायमंड प्लस वी ऑफ डायमंड इंटू पी माइनस वन माइनस जी नॉट ऑफ ग्रेफाइट प्लस वी ऑफ ग्रेफाइट इंटू पी माइनस वन। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं हम, तो रीअरेंज जब हम करेंगे तो ये z नॉट ऑफ डायमंड माइनस z नॉट ऑफ ग्रेफाइट एक टर्म आ गई, और प्लस यहां पे अगर हम ये जो है हम कॉमन ले लेते हैं p माइनस वन डेल्टा v, p माइनस वन डेल्टा v, डेल्टा v हो गया हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। वॉल्यूम ऑफ डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कर लेते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में सारी वैल्यूज गिवन है, ये जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास में जी डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन प्लस पी माइनस वन चेंज इन वॉल्यूम डायमंड माइनस ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो अब ये सारे एक्सप्रेशंस यहाँ पे जो वैल्यूज है हमारे पास में गिवन है, इन वैल्यूज को हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं। तो डेल्टा जी जो है उसको तो हम जीरो कर लेंगे बिकॉज इक्विलिब्रियम पे हमें सब कुछ फाइंड आउट करना है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू होगी वो फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये जो भी हमारे पास में रिएक्शन है, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड माइनस फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट। तो डायमंड का 2.9 है और ग्रेफाइट का जो है वो जीरो है, तो डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2.9 आ जाएगी हमारे पास में। तो इसकी वैल्यू आ गई है 2.9 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा वी की वैल्यू को अगर हम देखेंगे, डेल्टा वी की वैल्यू, तो डेल्टा वी की वैल्यू जो है यहां पे गिवन है, वॉल्यूम इसका जो है वो रिड्यूस हो रहा है। सो कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड रिड्यूसेस इट्स वॉल्यूम बाय 2 × 10⁻⁶। सो ये हमारे पास में डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, सो माइनस 2 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब आ गया। तो अब इन सब की वैल्यूज को सब्सिट्यूट करके आपको ये प्रेशर पी के लिए सॉल्व कर लेना है, तो प्रेशर पी के लिए सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा
ये यहाँ पे जो भी आप फाइंड आउट करोगे वो पास्कल में आएगा, और आंसर जो है आपको रिपोर्ट करना है बार में रिपोर्ट करना है. तो ये कैलकुलेशंस करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो क्या आएगा. जो भी हमने यहाँ पे पास्कल में कैलकुलेशंस करेंगे और उसको फिर आपको बार में कन्वर्ट करना होगा, तो एक कन्वर्जन फैक्टर भी एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू को भी आपको चेक करना है. तो ये हमारा जो है 2017 का एक पेपर 2 का एक क्वेश्चन हमने कर लिया. कैलकुलेशन पार्ट में छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप वो कैलकुलेशन कर सकते हैं.